नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत को लेकर बात करेंगे जो एक सोशल वर्कर है, एक सफल बिजनेसमैन है एंड वो इस समय आम लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजेश कुमार मिश्रा जी को लेकर। जैसे मैंने कहा कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, उनके पास करोड़ों का बंगला, लाखों की कार्स, शान शौकत वाली जिंदगी था, पर उन्होंने अपने इन रिच लाइफस्टाइल को छोड़कर गांव में अपने जीवन बिताने का फैसला किया, जिससे वो समाज के निचले स्तर के लोगों की जीवन शैली को बदल सके। राजेश जी अपने करियर के पीक में थे एंड उनके लिए बहुत आसान था कि वो बड़े शहर में रहकर अपने फैमिली के साथ एक आरामदायक जिंदगी बिताए, लेकिन उन्होंने आम लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये अलग और मुश्किल राह चुना। अमेरिका की तमाम सुख सुविधाओं को छोड़कर बिहार के मुंगेर जिले की तारापुर विधानसभा की सर्वांगीण विकास हेतु राजेश जी लगातार काम कर रहे। उन्होंने युवा के साथ मिलकर अंडरप्रिविलेज लोगों की, स्लम लोगों की बहुत ज़्यादा मदद किया। बिहार में शिक्षा की विस्तार, स्पेशली बेटियों को शिक्षा प्रदान करने में राजेश जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। राजेश कुमार मिश्रा जी का कहना है कि आइए अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ देकर जाए, कुछ अच्छे विरासत उनके लिए छोड़ कर जाए। आखिर जाना तो हम सभी को खाली आती है, तो क्यों ना देश, राज्य तथा समाज को सुधीर बनाकर इस संतोष के साथ जाए कि हमारे जीवन सफल के साथ साथ सार्थक भी था। सही में राजेश जी हमारे सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल है। थैंक यू सो मच राजेश जी, आपने हमारे सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए इतना बड़ा योगदान किया एंड आज भी एक्टिवली लोगों की सेवा में कर्मरत हो। थैंक यू सो मच।